हाय दोस्तों, इस वीडियो में गोदरेज एक रेप्यूटेड डेवलपर हैं। 127 साल पुराना रिकॉर्ड है इनका, अलग अलग सेक्टर में, कंस्ट्रक्शन में भी काफ़ी पुराना रिकॉर्ड है, 100 ईयर प्लस का रिकॉर्ड है इनका। गोदरेज ग्रुप ऑफ कंपनी काफ़ी बड़े एक रेप्यूटेड ब्रांड है जिनका ये प्रोडक्ट है। आज मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। प्रोजेक्ट का नाम है गोदरेज एक्सक्यूजिट। ये घोड़बंदर रोड और मेट्रो टच बना रहे हैं ये। और इसमें खास क्या है ना कि 40 माले का टावर है, कोई एक 42 है, एक 44 है, एक 46 है, और तीनों के ऊपर से लेवल से सेम किया हुआ है। इसमें सबसे खास बात यह है ना कि 40वें माले पे यानी कि टॉप फ्लोर पे तीन टावर में बड़े बड़े स्विमिंग पूल दिया हुआ है। एक बड़ा स्विमिंग पूल नीचे ग्राउंड पे यानी कि पोडियम लेवल पे दिया हुआ है। सारे जो फ्लैट हैं ईस्ट और वेस्ट फेसिंग फ्लैट है, दो ही फेसिंग है, साउथ नॉर्थ में विंडो है ही नहीं। यहाँ बहुत बढ़िया प्लानिंग से बना रहे हैं। एक तरफ आपको रिवर, सनराइज, माउंटेन दिख रहा है, सामने दूसरे साइड भी आपको सिटी और सामने येउर हिल्स और माउंटेन का व्यू आ रहा है। ये व्यू यहाँ से बहुत खूबसूरत बनाया हुआ, बिल्डर ने ऐसे प्लानिंग से ही काम किया हुआ है। दूसरा, यहाँ से मेट्रो और मेन रोड यानी कि वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे दोनों टच प्रॉपर्टी है ये। इसमें शेयर वॉल्स नहीं है, यानी कि एक फ्लैट जनरली देखेंगे ना कंस्ट्रक्शन में आपको देखने को क्या मिलता है, एक फ्लैट है और दूसरा फ्लैट है, दोनों के बीच में एक ही वॉल रहता है। यहाँ पे वॉल शेयरिंग वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है, यहाँ पे एक फ्लैट सेपरेट बना हुआ है। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं, एक फ्लैट सेपरेट बना हुआ है, दूसरा फ्लैट उसके बगल में फिर सेपरेट बना हुआ है। बहुत ही बढ़िया लग्जरी तरीके से बनाया है इन्होंने, कुछ काफ़ी सारी चीज़ों को ध्यान में रखा है। 2 BHK 3 BHK लग्जरी साइज में बनाया है। आइए मैं कुछ आपको झलकियाँ दिखाता हूँ पहले क्या टाइप की प्रॉपर्टी है, उसके बाद फिर इन डिटेल में बताऊँगा। अभी जो कुछ मैंने झलकियाँ आपको दिखाया है ना गोदरेज एक्सक्यूजिट का, इसका मैं डिटेल आपको बताऊं। हाय दोस्तों, मैं हूं विकास बरनवाल, CP यानी चैनल पार्टनर ऑफ बिल्डर एंड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल में। प्रॉपर्टी के साथ साथ हम लोग होम लोन में भी काम करते हैं। होम लोन यानी कि प्रॉपर्टी अगर आप खरीदते हैं तो होम लोन के रिलेटेड, जैसे बैलेंस ट्रांसफर हो, टॉप अप हो, होम लोन लेना हो, ITR फाइल के रिलेटेड कुछ काम हो, या फिर कोई भी आपका लोन रिलेटेड काम हो, उसके लिए भी आप हमें फ़ोन करें, हमारी लोन एक्सपर्ट टीम आपको काम करके देगी सारा। और 0% ब्रोकरेज में हम लोग काम करते हैं कस्टमर के लिए, डेवलपर की ओर से। और साथ ही साथ जो मार्केट की प्राइस है जनरली जो चल रहा है, उससे भी 5-10 लाख रुपये कम में हम लोग कस्टमर को प्रॉपर्टी दिलाते हैं। अब ये हम लोग हमेशा मैं कमिट करता हूं अपने वीडियोस में, और मैंने हजारों लोगों को अभी तक तो दिलवा भी चुका हूं। जो लोग नए हैं उनके लिए बता दूं, ये हम लोग कैसे कम करा पाते हैं बिल्डर से प्रॉपर्टी प्राइस में, और उसका क्या लॉजिक है ये मैं आगे बताऊंगा, प्राइजिंग जब मैं बताऊंगा तभी। फिलहाल आइए इन डिटेल दिखाता हूं मैं 2 BHK और 3 BHK कैसा है, मॉड्यूल कैसा है, लोकेशन कैसा है, बाहर का मेन रोड का क्या व्यू है, मैं लाइव दिखाता हूं। आज 23 अक्टूबर 2024 का रिपोर्ट मैं आपको बता रहा हूं यहां पे क्या है। अब आप जब ये वीडियो देख रहे होंगे तब अभी फोन करेंगे, उस टाइम क्या रहेगा वो मैं, आप उस टाइम फोन करेंगे तभी पता चलेगा। आइए लाइव देखते हैं क्या यहाँ पे बना हुआ है और बन रहा है। अभी मैं आपको गोदरेज एक्सक्यूजिट का 3 BHK दिखा रहा हूँ, इसके बाद मैं 2 BHK मॉडल और यहाँ का लाइव क्या है, चारों साइड का सिचुएशन वो मैं दिखाऊंगा। अभी यहाँ से इसका 3 BHK स्टार्ट हो रहा है। इसमें आपको सारे ब्रांडेड प्लम्बिंग, ऐसे जो भी आपको ये मटेरियल देंगे, जैसे अभी फ्लैट है ना, फुल फर्नीचर नहीं, ये डोर आपको बना के देंगे, गोदरेज का लॉक रहेगा। और यहाँ पे एक आप देखें, यहाँ पे आपको फॉयर एरिया बहुत बढ़िया दे रहे हैं। दरवाजे से जब आप एंट्री करते हैं ना, ये पूरा एक खुला हुआ दिया जा रहा है। यहाँ पे आप बहुत सारा प्रोविजन कर सकते हैं, कुछ वाटर फाउंटेन लगा सकते हैं, सूर एक लगा सकते हैं, कबर्ड बना सकते हैं, स्टोरेज बना सकते हैं, ऐसा काफ़ी सारा ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। सामने आपको एक बड़ा मास्टर बेडरूम मिल रहा है, उसके बाद अंदर लिविंग डाइनिंग है। ये इसका लिविंग डाइनिंग है, मैं लिविंग डाइनिंग आपको दिखाता हूँ, पहले चलते हैं एक इसका एंट्री होते ही ये फॉयर एरिया, इसके बाद फिर बेडरूम देखते हैं। अभी देखें, ये मास्टर बेडरूम है और इसकी डिस्टेंस, इसका जो लेंथ है
एक प्रॉपर साइज अप्रॉक्सीमेटली 12x11 का तो है ही इसका, ये आप देख लें। और उसके बाद विंडो के साइड में आपको 2 से 3 फुट का बालकनी मिल रहा है। ये बालकनी आपको सामने रनिंग बालकनी है जो लिविंग डाइनिंग यानी कि हॉल से भी अटैच हो रहा है। एक बार मैं विंडो के साइड से आपको दिखा रहा हूँ। इधर इसका ये मास्टर बेडरूम है, मास्टर बेडरूम का वॉशरूम है। स्टार्ट में बेसिन, उसके बाद कमोड, उसके बाद एंड में दिया हुआ है बाथ एरिया। और यहाँ पे देखें किंग साइज बेड, यहाँ पे एक स्टडी टेबल डालने के बाद भी, वार्डरोब डालने के बाद भी चारों तरफ से बहुत ही खूबसूरत इन्होंने 3 से 4 फुट का जगह बनाया हुआ है। और दूसरी बात क्या है ना, ये जो फर्नीचर का आइडिया यहाँ से आपको मिल रहा है, एज इट इज़ भी आप बना सकते हैं, नहीं तो आप फिर अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। ये बिल्डर ने दिखाया है कि फर्नीचर करने के बाद फ्लैट के अंदर क्या स्पेस मिलता है और कैसे क्या आप यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको लेके चल रहा हूँ, ये हमने दिखाया आपको फॉयर एरिया और पहला मास्टर बेडरूम। ये 3 BHK की प्रॉपर्टी है जहाँ पे आप खड़े हैं। और ये इसका लिविंग एरिया है, यहाँ पे सोफा और टीवी यूनिट। ये बेडरूम से जो रनिंग बालकनी थी वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक बार देख लें। और ये इसका लिविंग एरिया और ये इसका डाइनिंग एरिया है। आप देख लें कि डाइनिंग के प्रॉपर यहाँ पे 8 से 10 लोगों के सीटिंग का अरेंजमेंट आप कर सकते हैं आप चाहें तो। फिलहाल इन्होंने 6 टेबल का रखा हुआ है। और इसके जस्ट ये सॉफ्ट वॉल है, यहाँ पे अगर आप हटाना चाहें तो हटा सकते हैं, रखना चाहें तो रख सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं डाइनिंग को किचन से। एंट्री करते ही फ्रिज का स्पेस इस तरफ आपको मिल रहा है, गैस प्लेटफॉर्म, और इधर मिल रहा है आपको सर्विस प्लेटफॉर्म। बाहर वॉशिंग मशीन के लिए स्पेस के लिए दिया हुआ है बालकनी। और ये हमने किचन, लिविंग डाइनिंग, एक मास्टर बेडरूम दिखाया है। आगे चलते हैं, आगे 2 बेडरूम दिखाऊंगा मैं। एक बच्चों के लिए किड्स बेडरूम यानी गेस्ट बेडरूम, गेस्ट बेडरूम बोल सकते हैं, किड्स बेडरूम बोल सकते हैं। इसमें क्या है ना, एक चीज़ ये ध्यान रखें कि नॉन अटैच्ड वॉशरूम, इसमें वॉशरूम अटैच्ड नहीं है। दूसरा कॉमन वॉशरूम और मास्टर बेडरूम दिखाऊंगा। आइए देखते हैं इसका किड्स बेडरूम। ये इसका किड्स बेडरूम है, इसमें अटैच्ड वॉशरूम नहीं है। इसमें भी आपको करीबन 2 से 2.5 फुट की बालकनी मिल रहा है। इसमें भी देखें किंग साइज का बेड वगैरह डाला हुआ है और 3 से 4 फुट का आपको जगह चारों साइड से प्रॉपर मिल रहा है, इतना कुछ फर्नीचर होने के बावजूद भी। अब इसका चलते हैं कॉमन वॉशरूम, पाउडर वॉशरूम दिखाता हूं मैं आपको। ये इसका कॉमन वॉशरूम है, साफ सभी के लिए, गेस्ट हों या फैमिली मेम्बर्स हों। बेसिन, कमोड और उसके बाद फिर बाथ एरिया दिया हुआ है। इसके बाद मैं अभी आपको लेके चल रहा हूं सबसे मेन मास्टर बेडरूम जो हेड ऑफ द फैमिली के लिए चुनाव होता है। यहाँ पे आपको कुछ अलग अलग कॉन्सेप्ट है। अभी देखिए, एक तो सबसे बड़ा बेडरूम है, दूसरा यहाँ पे एक खिड़की दिया हुआ है, एक विंडो इस तरफ दिया हुआ है, एक क्रॉस वेंटिलेशन बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है ना कि कभी भी आपको बेडरूम में हवा उजास की कमी नहीं होती है। अगर इस दिशा से भी हवा और सनलाइट आ रहा है तो भी आपको मिलेगा, इस दिशा से भी आ रहा है तो भी आपको मिलेगा। ये एक एक्सपीरियंस डेवलपर होते हैं, इनको अच्छी तरह से ये सब चीज़ें जानकारी होती है, जो वास्तु में मानते हैं, वास्तु को जानते हैं, वो लोग इन चीज़ों को काफ़ी, मैंने अलग अलग लग्जरियस प्रॉपर्टी में देखा है कि क्रॉस वेंटिलेशन का कॉन्सेप्ट वो लोग घर के अंदर बनाते हैं। एक बार मैं ये विंडो के साइड से कवर करके दिखा रहा हूँ। इस तरफ इसका वॉशरूम है, ये आप देख लें, मास्टर बेडरूम का। एक तरफ बेसिन, कमोड और राइट हैंड साइड पे आपको बाथ एरिया का प्रोविजन किया हुआ है। यहाँ पे देखें कि वार्डरोब बना हुआ है, किंग साइज बेड बना हुआ है, फिर भी करीबन 5 फुट का जगह आपको नीचे मिल रहा है। इसके बाद मैं आपको अंदर से बाहर की तरफ व्यू दिखा रहा हूँ। ये मैंने आपको 3 BHK दिखाया है। अभी मैं एक चीज़ और यहाँ का प्लस पॉइंट किया है, ये जो 3 BHK के बाहर आप निकलते हैं ना, तो ये एरिया आपको आपको पर्सनल ही रहेगा,
क्योंकि सामने कोई फ्लैट नहीं है। यहाँ का जो फ्लोर प्लान का डिज़ाइन है ना, ये इसका फ्लोर प्लान आप देखें, इसमें एच टाइप का इसका बीच का पैसेज है, जिसमें एक फ्लैट के सामने दूसरे फ्लैट का दरवाज़ा आता ही नहीं है। तो ये टाइप का पैसेज रहेगा और ये आपके लिए पर्सनली रहेगा। इसमें भी बाहर आप चाहें तो स्टोरेज या सूर्य वगैरह लगा सकते हैं। वैसे तो सोसाइटी प्रमाइसिस में आ जाता है, लेकिन अगर पर्सनल है तो इसको हर जितने भी लोग यहाँ पे घर खरीदेंगे सब यूज़ करेंगे ही करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है यहाँ पे प्रॉपर्टी ख़रीदने में दोस्तों। अभी मैं गोदरेज एक्सक्लूसिव का 2 BHK दिखा रहा हूँ। यहाँ से एंट्री करते ही आपको मिल रहा है बड़ा सा किचन। किचन में गैस प्लेटफॉर्म, सर्विस प्लेटफॉर्म, आगे आपको वॉशिंग मशीन का स्पेस, उसके बावजूद भी बाहर आपको बालकनी मिल रहा है करीबन 2 से 3 फुट का, वो आप एक देख लें। इसके बाद मैं आपको लेके चल रहा हूँ लिविंग डाइनिंग यानी कि हॉल में। इस तरफ इसका डाइनिंग और इस तरफ इसका लिविंग एरिया है यानी कि सिटिंग एरिया है। और यहाँ पे भी आपको एक तो देखें, यहाँ पे जो क्वालिटी आपको स्लाइडिंग विंडो का मिलेगा ना, ये स्लाइडिंग साउंड प्रूफ वाटर प्रूफ रहेगा 1, 2 और 3 BHK तीनों फ्लैट में। अब इसका जो है रनिंग बालकनी है, बेडरूम अटैच हो रहा है, 2 से 3 फुट का बालकनी है। वह खिड़की के साइड से, विंडो के साइड से देख लें, एक तरफ वेंटिलेशन आपको इधर मिलेगा, एक तरफ वेंटिलेशन आपको सामने मिलेगा। दोनों साइड से वेंटिलेशन मिलेगा ना, तो क्या होता है कि दो साइड से सामने सामने जब आपको वेंटिलेशन मिलता है तो एयर सनराइज का फ्लो रहता है, घर में एक पॉजिटिव वाइब्स रहता है। इसके बाद फिर एक बेडरूम है इस तरफ है, एक बेडरूम इस तरफ है और सामने वॉशरूम है। एक वॉशरूम आप देख लें, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरफ इसका मास्टर बेडरूम है, इस तरफ इसका कॉमन बेडरूम है। आइए पहले मास्टर बेडरूम देखते हैं। मास्टर बेडरूम में जब आप एंट्री करेंगे तो एक प्रॉपर स्पेस, इस तरफ वार्डरोब बनाया है इन्होंने, इस तरफ बनाया हुआ है किंग साइड बेड। और फिलहाल तो गार्डनिंग का जगह है ये, हम 100 फ्लैट में खड़े हैं अभी। इसके बाद सेम 10 फुट का हाइट आपको मिलेगा घर का, और ये आप देखें 4 से 5 फुट का स्पेस आपको नीचे बेड, कवर्ड, टीवी यूनिट, साइड टेबल डालने के बाद भी। इस तरफ आपको मिल रहा है इसका वॉशरूम मास्टर बेडरूम का। लेफ्ट हैंड साइड पे बेसिन, बीच में कमोड है, और राइट हैंड साइड पे आपको मिल रहा है इसका बाथ एरिया यानी कि शावर एरिया। अभी ये आपने देखा मास्टर बेडरूम, सामने इसका कॉमन वॉशरूम, इस तरफ इसका कॉमन बेडरूम यानी कि नॉन अटैच्ड वॉशरूम, नॉन अटैच्ड बेडरूम आपको मैं दिखा रहा हूँ। जिस बेडरूम में वॉशरूम अटैच नहीं रहता उसको नॉन अटैच, किड्स बेडरूम, गेस्ट बेडरूम अलग अलग नाम से बोलते हैं, ये आप समझ लें। स्पेस इसका प्रॉपर दिया हुआ है, आप लेंथ वगैरह देख लें इसका। और यहाँ पे आपको अंदर ही मिल रहा है इसका वार्डरोब का स्पेस, तो पूरा बेडरूम आपको फ्री हो जाता है। यहाँ पे स्टडी टेबल वगैरह लगाने के बाद, बनाने के बाद भी 4 से 5 फुट का स्पेस मिल रहा है। ये फर्नीचर तो डेवलपर ने बनाया है एक आइडिया देने के लिए आपको, कि आप फ्लैट खरीदने के बाद इस तरह से बनाने के बाद भी इतना जगह मिलेगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप फर्नीचर में क्या बनाते हैं क्या नहीं बनाते हैं, आपका आर्किटेक्ट, आपका इंजीनियर क्या आपको सजेस्ट करता है, पर डेवलपर ने एक रफली आपको ये फर्नीचर बना के दिखाया है। एक बार अंदर से पूरे फ्लैट का व्यू आपको शो कर रहा हूँ। और ये मैंने आपको 2 BHK दिखाया, इसके पहले 3 BHK। अभी मैं मॉडल दिखाता हूँ, इसका मॉडल बहुत खूबसूरत है, 45-45 स्टोरी, 3 टावर है। अभी लेके चलता हूँ, आइए देखते हैं। अभी एक बात और इम्पोर्टेंट समझ लें कि प्रॉपर्टी प्लाजा के नाम पे कई, यहाँ मैंने देखा है कि विरार में, मीरा रोड में, बोरीवली में, कांदिवली में, मलाड में कई 3-4 शॉप्स खुल चुके हैं, और कस्टमर को ये कन्फ्यूजन रहता है कि ये विकास बरनवाल जी का प्रॉपर्टी प्लाजा है या किसी और का है। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरे प्रॉपर्टी प्लाजा के नाम पे जो भी आपको कॉल कर रहे हैं वो ना देख के आप हमारे जो ऊपर दिया हुआ नंबर है आपको मैं स्क्रीन पे भी दिखा देता हूँ, 9619871855 दूसरा हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है,
है 8070807099। ये दो ही नंबर एक्चुअली हमारे नंबर हैं और उसी पे आप काम करें, क्योंकि एक कस्टमर का कंप्लेन आ गया है कि प्रॉपर्टी प्लाजा के नाम पे काम हुआ है और उनके साथ कुछ मिसबिहेव हो गया है। प्रॉपर्टी उन्होंने बुकिंग कराया लेकिन प्रॉपर उनके साथ व्यवहार नहीं किया गया। बिल्डर से भी अभी उनकी फाइट हुई है और केस कोर्ट तक पहुंच गया है। और उन्होंने प्रॉपर्टी प्लाजा के नाम पे बिजनेस किया है, बट प्रॉपर्टी प्लाजा एक्चुअली वो हमारा नहीं है, कोई और दूसरा प्रॉपर्टी प्लाजा के नाम पे, और वो केस हमारे तक आया है। तो हमने उनको बोला है कि आप हमारे से आके मिले हमारे नंबर पे। तो कुछ कन्फ्यूजन हुई थी, इसलिए मैं अपने वीडियो में क्लियर कर रहा हूँ कि हमारा जो दोनों मोबाइल नंबर है, ये दोनों मोबाइल नंबर पे ही कॉल करें और उसके बाद हम आपको परफेक्टली, मैं और मेरी पूरी टीम आपको काम करके देगी। दोस्तों अभी मैं आपको शो कर रहा हूँ गोदरेज एक्सक्यूजिट का मॉडल। ये आप देख सकते हैं 45-45 स्टोरी, तीन टावर हैं और इसमें ये हम अभी वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे हैं और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और मेट्रो टच ये टावर बन रहा है। ग्राउंड फ्लोर पे एक स्विमिंग पूल आप देख पा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देखें टावर के 45 स्टोरी टावर है, टॉप पे एक बड़ा स्विमिंग पूल है और जो तीनों टावर पे आपको दिख रहा है, तीन छत पे स्विमिंग पूल रहेगा, जैकुजी कवाना है और यहाँ पे नीचे रिटेल शॉप भी है। उसके बाद फिर दो लेवल पोडियम पार्किंग है और दो बेसमेंट लेवल पोडियम पार्किंग है। इसमें मैं आपको चारों साइड से दिखाता हूँ। ग्राउंड पे क्लब हाउस दिया हुआ है जिसमें कुछ जिम्नासियम है, बैंक्वेट हॉल वगैरह है। ग्राउंड पे भी इसमें स्विमिंग पूल दिया हुआ है और जो बड़ी बड़ी एमिनिटीज़ है जिसमें से टर्फ है, रिफ्लेक्सोलॉजी पाथ है एंड कवर्ड टर्फ है, मल्टीपर्पज़ कोर्ट है, गार्डन है, ये सब जैसे आप देख रहे हैं ऐसे ही एज इट इज़ आपको डेवलप करके ट्री कोर्टयार्ड के साथ आपको देंगे। ये अब ये वाइट कलर के जो आप देख रहे हैं ना, ये जिम्नासियम है जो टॉप फ्लोर पे रहेगा। यानी कि इतने ऊपर आपको जिम करने में बहुत मज़ा आएगा, जब आप जिम करते हुए पूरे नीचे की सिटी आपको दिखेगा या हिल या माउंटेन आपको नाइट में दिखने वाला है। यानी सुबह सुबह जब आप जिम करेंगे हायर फ्लोर से तो सामने पूरा रिवर का व्यू आएगा और ये बहुत खूबसूरत एक पॉजिटिव वाइब्स आपको पूरे सुबह सुबह नज़र आने वाला है। उस टाइप का प्लान करके ये बना रहे हैं। एक मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने स्काई स्केप जिम रखा हुआ है जहाँ पे जिम करते हुए आप नीचे पूरी दुनिया देख सकते हैं। स्काई लॉन्ज है, रूफटॉप पे पुल है, आप पुल में नहाते हुए भी पूरी दुनिया ऐसा आपको दिखेगा। 45 स्टोरी एक बहुत हाई राइज टावर होता है, एक कम नहीं होता, तो वो हिसाब से इन्होंने वो लग्जरी लाइफस्टाइल को टारगेट करके इस पूरे टावर को इन्होंने यहाँ पे बना रहे हैं ठाणे में। अब ये तो मैंने आपको दिखाया तीनों मॉडल 2BHK 3BHK, मैं आपको बाहर से थोड़ा माहौल दिखाता हूँ कैसा है, क्या कनेक्टिविटी है यहाँ का मेन रोड से, आइए देखते हैं। अभी मैं खड़ा हूँ गोदरेज एक्सक्लूसिव के साइड पे, जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 70% 65% काम हो चुका है। करीबन 20 स्टोरी टावर बन चुका है। ये इसका रिटेल है, नीचे जो प्रॉपर बना हुआ है, तीन टावर है, एक दो और इसके बैक साइड में एक बन रहा है, तीन टावर है। और मैं आपको मेट्रो और हाईवे की कनेक्टिविटी दिखाता हूँ। ये इसका वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और सामने मेट्रो, तीनों आपको बहुत ही प्राइम लोकेशन पे बना रहे हैं। यहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए ना कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। आगे डिटेल में साइजिंग प्राइजिंग मैं आपको बताता हूँ, साथ ही साथ क्या एमिनिटीज़ है आसपास में, स्कूल कॉलेज मॉल थिएटर का क्या कनेक्टिविटी है, ये सब कुछ आगे डिटेल में जानते हैं। Welcome to Property Plaza, your trusted partner in real estate. Based in Mumbai, we collaborate with the city's top developers to bring you premier properties that fit your lifestyle and investment needs. Whether you're looking for a luxurious apartment, commercial space, or resale flats, we believe in creating lasting relationships through trust and transparency. With a dedicated team of 100 professionals and over 4,000 satisfied customers, we provide expert guidance and unparalleled service. Join us on a journey to find your perfect property.
द बेस्ट रियल एस्टेट कंपनी प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बनवार। अभी जो मैंने आपको वीडियो दिखाया है गोदरेज एक्सक्लूसिव का, इसका मैं डिटेल आपको बता दूं प्रोजेक्ट का। ये एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है और गोदरेज कंपनी का नाम है। गोदरेज मेन नाम है कंपनी का। गोदरेज जैसे तो गोदरेज का इनका अलग 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 लॉक भी है, सीमेंट्स भी है और प्रॉपर्टीज भी है, जिसमें इनका एक सेगमेंट है गोदरेज प्रॉपर्टी, जिसमें ये बिल्डिंग बनाते हैं, डेवलप करते हैं और प्रोजेक्ट को डिलीवर करते हैं, फ्लैट बना के बेचते हैं गोदरेज वाले। अब इसका जो लोकेशन मैं आपको बता दूं, ये थाने वेस्ट में विजय नगरी घोड़बंदर रोड पे बना रहे हैं। घोड़बंदर रोड पे प्रॉपर ये हाईवे के बिल्कुल पास में बना रहे हैं। 127 साल पुरानी कंपनी है और इनका जो 150 साल का लीगेसी है, 150 ईयर से ये करीबन मार्केट में है और अलग अलग बिजनेस में है। इनके कुछ प्रीवियस प्रोजेक्ट में आपको बता दूं, जैसे गोदरेज ट्रीज, गोदरेज प्लेटिनम, गोदरेज एमराल्ड, गोदरेज होराइजन, गोदरेज सिटी वुड्स, वैसे तो बहुत सारे हैं। मैंने ऐसे कॉम्प्लेक्स के बिल्डिंग के नाम बताए हैं जो एक लेवल पे इन्होंने बनाया है और बहुत ही सक्सेसफुल रहा है और बहुत सारे अलग अलग जगह पे इनका कंस्ट्रक्शन चालू भी है। अब इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की बात करूं मैं गोदरेज एक्सक्लूसिव का, इसमें 3.71 एकड़ का लैंड एरिया है, यानी कि 4.25 एकड़ का लैंड एरिया है और टोटली कंप्लीटली फ्री होल्ड लैंड है ये। 40% में इन्होंने कंस्ट्रक्शन किया है और 60% में पूरा ये ओपन है। इसमें तीन टावर है, 42, 44 और 46, यानी कि 42, 44 और 46। मान लेगा तीन टावर बना रहे हैं ये, जिसमें T1, T2, T3 नाम रहेगा। हर एक फ्लोर पे 6 फ्लैट रहेगा, 5 हाईटेक हाई स्पीड लिफ्ट रहेगा, 2 स्टेयरकेस रहेगा और इसमें जो रिफ्यूजी एरिया है 3rd फ्लोर पे रहेगा, 7th पे, 12th पे, 17th पे, 22nd पे और 27th पे, फिर 32nd पे और 37th पे। टोटल इसमें 600 फ्लैट का पूरा ये कॉम्प्लेक्स है और इसका जो कंस्ट्रक्शन स्टेज टावर 1, टावर 2, टावर 3 का 22%, 34%, 18% हो चुका है। करीबन 60-70% ड्यू भी हो चुका है। प्रॉपर्टी खरीदना है, 60-70% आपको पेमेंट यहाँ पे करना है। चाहे आप अपने हैंड से करें या फिर होम लोन लेके करें या फिर अपने से खुद से करें, लेकिन 60-70% यहाँ पे पेमेंट करना है। अब फ्लैट के अंदर की सीलिंग की हाइट लगभग 10 फुट का रहेगा। रेसिडेंशियल इसका 5th फ्लोर से स्टार्ट हुआ है, यानी कि 5वें माले से है। एमिनिटीज इसके 4th फ्लोर पे है, यानी कि ई डेक जो है वो 4th फ्लोर पे है। रूफ टॉप पे कुछ एमिनिटीज दिया हुआ है। पार्किंग इसमें 2 लेवल बेसमेंट पार्किंग है, ऊपर का भी 2 लेवल है और उसमें पजल कार पार्किंग रहेगा। रेरा में कुछ डॉक्यूमेंट्स, रेरा में वैसे तो रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट है और रेरा के नंबर मैं आपको बता देता हूँ, P517000244 96। इस नंबर के थ्रू गवर्नमेंट के रेरा के वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं क्या प्रोजेक्ट रिलेटेड अप्रूवल मिला हुआ है, क्या लैंड क्लियरेंस है, कौन से बैंक से अप्रूव्ड है, ये सब आप जाके चेक कर सकते हैं रेरा के वेबसाइट पे। कुछ डॉक्यूमेंट तो मैं आपको खुद इसमें से रेरा से डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। ये इसका फ्लैट प्लान, फ्लोर प्लान, मास्टर प्लान, CC, APF नंबर, ये सारा डॉक्यूमेंट्स आप यहीं पे देख लें। फ्लैट खरीदने के लिए इतना इनफ रहता है, फिर भी अगर आप और डिटेलिंग में जानना चाहते हैं और आपका हक भी बनता है कि आप प्रॉपर्टी में पैसे डाल रहे हैं, आपने मेहनत की, कमाई की, तो आपको इन डिटेल सारा देख के ही डालना चाहिए दोस्तों। रेरा में पोजीशन इसका सितंबर 2026 को है। डेवलपर आपको दिसंबर 2025 को ही डिलीवर कर देंगे, यानि इनका क्या है ना, 2025 से 2026 के बीच में ऑलमोस्ट तीनों टावर डिलीवर कर देंगे। लास्ट इनका पूरे टावर का CC रिसीव। अब आते हैं, इसके व्यू बहुत खूबसूरत है। ईस्ट में आपको क्रिक और रिवर का व्यू दिखेगा थाने के बैक साइड का। वेस्ट में आपको येऊर हिल्स का व्यू आएगा। नॉर्थ और साउथ में इन्होंने कोई विंडो रखा ही नहीं है, प्रॉपर सारा जो व्यू है ना ईस्ट में और वेस्ट में ही रखा हुआ है। ये एक बहुत खूबसूरत प्लानिंग है गोदरेज वालों का। कॉस्मो लोकैलिटी के लोग हैं, सारे टाइप के लोगों को ये लोग यहाँ पे प्रॉपर्टी दे रहे हैं। सभी बैंकों से लोन भी हो जाएगा। जिस टाइप की कस्टमर को यानी ऑडियंस को यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं, यहाँ पे बायर्स को, सब एक ग्रेड के लोग रहेंगे। वहाँ पे जो फैसिलिटी आ रही है, वहाँ पे जो चीजें ये लोग लेके आ रहे हैं, सब एक ग्रेड के लोगों के लिए लेके आ रहे हैं। वेल एजुकेटेड लोग रहेंगे सब। अगर आप NRI भी हैं, अगर आप बाहर भी अकाउंट्स हैं, तो वहाँ से भी आप डील कर सकते हैं, क्योंकि डेवलपर के हर एक जगह पे अकाउंट हर एक कंट्री में रहता ही है। अब यहाँ का कुछ USP बता दूं मैं आपको। घोड़बंदर रोड मेट्रो टच है, जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया ही है। 127 साल पुरानी कंपनी है, 45 माले का हाई राइज टावर है और इसमें 3 स्विमिंग पूल
रूफ टॉप पे दिया हुआ है और नीचे एक स्विमिंग पूल दिया हुआ है। टोटल 4 स्विमिंग पूल दिया हुआ है, 1 पोडियम पे दिया हुआ है और 3 ऊपर छत पे दिया हुआ है, जहां से आपको पूरी दुनिया बहुत खूबसूरत दिखेगी। ये देख सकते हैं कुछ फोटोग्राफ्स मैंने दिया हुआ है। और दूसरा यहाँ पे ना कुछ सिस्टम ऐसा किया हुआ है फ्लोर का, आप देख सकते हैं यहाँ पे शेयर वॉल नहीं है, यानी कि दीवार अभी जनरली देखें कंस्ट्रक्शन में एक फ्लैट है उसी को अटैच्ड दूसरा फ्लैट है, तो एक ही वॉल में दोनों फ्लैट का दोनों साइड से जुड़ जाता है। बट यहाँ पे क्या है ना, सारे फ्लैट सेपरेट किए हुए हैं, शेयर वॉल्स नहीं है, एक फ्लैट है उसके बाद दूसरे फ्लैट के लिए दूसरा वॉल है। ये क्या होता है ना, जनरली जो लग्जरियस प्रॉपर्टी होती है वहां पे ये सिस्टम किया जाता है कि भाई जो भी चीजें हैं दूसरे के दीवार से कुछ टच ना हो, कुछ आप इंटीरियर करवा रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं या कुछ आवाजें हैं, ये सब सिक्योर कर दिया जाता है। तो वो सेम कंडीशन यहाँ पे नो शेयर वॉल्स का कंडीशन इन्होंने लेके आया है कि एक आपका जो घर का दीवार रहेगा वो दूसरे के पार दूसरे का घर नहीं रहेगा, आपके घर के वॉल खत्म जहां होगा उसके बाद दूसरे का घर का वॉल दूसरा वॉल है। ये फ्लोर प्लान में आप देख सकते हैं, मैं हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, नो शेयर वॉल्स है इसमें। दूसरा इसकी जो पैसेज है ये पूरी डिफरेंट है, एच शेप में पैसेज है, जो जनरली बहुत मतलब हजार बिल्डिंग बनता है तो ये सब चीजें वो लोग ध्यान देते हैं। दूसरा क्या है, डोर यानी कि फ्रंट टू फ्रंट डोर नहीं है। जनरली आप देखेंगे तो कोई पैसेज होता है और उसी में सामने इसका दरवाजा, इसका दरवाजा, इसका दरवाजा है, यहाँ वो नहीं, यहाँ आपको सेपरेट सेपरेट दरवाजे के सामने सेपरेट आपको पैसेज दिया हुआ है। वो मैंने आपको फ्लैट में दिखाया भी है, नहीं तो आप फिर से देख लें, मैं लगा दे रहा हूँ। तो ये सब क्वालिटी ये लोग ये मेंटेन कर रहे हैं। रिवर माउंटेन सिटी व्यू फ्लैट्स हैं और कुछ रिटेल शॉप भी है इसमें, दुकानें भी है, उसके लिए भी आप फोन करें ऊपर दिए हुए नंबर पे। अब आते हैं इसकी एमिनिटीज पे। इसके 3 पूल दिया हुआ है रूफटॉप पे, 1 पूल इसके ई डेक पे दिया हुआ है, टोटल 4 पूल है, पोडियम गार्डन बारबेक्यू पिट मल्टीपर्पज हॉल बाइसाइकिलिंग पार्किंग स्पेस जुम्बा एंड एरोबिक्स रूम गेम जोन एंड टोटलर्स प्ले एरिया ग्रैंड एंट्रेंस लॉबी मिनी थिएटर फूड रिफ्लेक्सोलॉजी पार्क फिटनेस सेंटर सोना रूम ट्री कोर्टयार्ड सर्विस काउंटर ओपन पार्टी एरिया चेंजिंग रूम फैमिली फंक्शन एरिया गार्डन एंड गजेबो सेलेस्टियल टर्फ इंडोर गेम्स सीनियर सिटीजन एरिया किड्स प्ले एरिया सिट आउट एरिया बास्केटबॉल कोर्ट रूफटॉप टेरेस स्टीम रूम बैंक्वेट हॉल चिटचैट एरिया पेव्ड प्लाजा प्लांटेशन वेले पार्किंग। ऐसे तो करीबन 50-60 एमिनिटीज है जिसमें मैंने आपको कुछ 15-20 बताया है, मैंने मेन आपको सिर्फ बताया है। प्रॉपर्टी जब आप खरीदने जाते हैं, खरीदने का जब आपका विचार बनता है तो पहला एक्शन मैंने देखा है कि हमारे चैनल के थ्रू जाने का जो बेनिफिट है वो क्या है कि आप जब हमारे चैनल पे वीडियोस देख के एक बार कॉल करते हैं तो हमारा एक ही सेल्स पर्सन आपका पूरा काम करवाते हैं। A to Z प्रॉपर्टी सर्वे करवाना हो, परचेस करवाना हो, दिखाना हो, जो भी सब कुछ करवाना हो सब करवा के आपको घर तक पहुंचा के देते हैं। इवन हमने ऐसे एक्सपर्ट्स सेल्स पर्सन है हमारे कि जब तक उनका घर का पोजीशन नहीं हो जाता तब तक काम करते हैं और ज्यादा लोगों से आपका कोऑर्डिनेशन नहीं होता है। यहाँ पे बहुत सारे प्रॉपर्टी पोर्टल्स हैं, प्रॉपर्टी वेबसाइट्स हैं, एक बार अपनी रिक्वायरमेंट आप वहाँ पे लॉगिन कर देते हैं, एक बार आपका मोबाइल नंबर वहाँ पे आप डाल देते हैं तो वो क्या करते हैं ना, आपके जो डेटा है खुद काम नहीं करते हैं, खुद की उनकी टीम जो है वो ना के बराबर है, आपके डेटा को वो ब्रोकर्स के साथ बेचते हैं, शेयर करते हैं, जिससे एक साथ में हजारों ब्रोकर्स 100-200 ब्रोकर्स के साथ वो डेटा आपका बिक जाता है और फिर हजारों ब्रोकर्स के आपके कॉल्स आने शुरू हो जाते हैं, आप बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। ऐसे हमारे हजारों लाखों कस्टमर अभी तक फोन कर चुके हैं कि विकास जी हमने उस पोर्टल पे डाल दिया था, वहां से पता नहीं कितने सारे लोगों का अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह से फोन आ रहा है, क्या करें। दोस्तों हमारे चैनल के साथ जाने में एक और ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि हमारा एक आदमी आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे और आपके A to Z पूरा काम करवा के देंगे। अब इसकी कनेक्टिविटी समझना बहुत जरूरी है, बिल्डिंग के बाहर निकलते ही 3-4 मिनट के अंदर आप हाईवे मेट्रो तो बिल्डिंग के नीचे ही है और चिल्ड्रन एकेडमी स्कूल रॉयल गार्डन रेस्टोरेंट इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप जगन्नाथ महादेव मंदिर कोर्टयार्ड रेस्टोरेंट ये सब आपको मुश्किल से 3-4 मिनट 5 मिनट के अंदर ही है। अब 15-20 मिनट के अंदर आप थाने स्टेशन मैकडोनल्ड एपी शाह इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिटी टर्फ डी मार्ट हिरानंदानी हॉस्पिटल पोदार इंटरनेशनल स्कूल गायमुख बीच वुड स्टॉक एरिया विलास रेस्टोरेंट बटरफ्लाई गार्डन टिकोजिनी वाड़ी सूरज वाटर पार्क ये सब बहुत फेमस है थाने की चीजें हैं जो यहाँ से आप मुश्किल से 15 मिनट में पहुंच जाएंगे। 1-1.5 घंटे के अंदर आप एयरपोर्ट डोमेस्टिक इंटरनेशनल दोनों रीच कर जाएंगे। हर एक वीडियो में मैं जो बताता हूँ कि हम आपको नॉर्मल मार्केट के प्राइस से कम में आपको प्रॉपर्टी दिला पाएंगे उसका दोस्तों वजह जो है ना उसका सिंपल वजह है क्या है कि हम लोग खुद 100-150 लोगों की सेल्स की टीम है हमारी। अब हम लोग क्या करते हैं डेवलपर से होलसेल में एक सौदा करते हैं कि भाई साल भर के अंदर हम आपका 200-300 फ्लैट
फ्लैट बेचेंगे, 400-500 करोड़ का टर्नओवर करेंगे, इसी के बेस पे आप हमें स्पेशल प्राइस करके दो, जो भी लोग हमारे चैनल के थ्रू आ रहे हैं। अब क्या होता है ना कि हम लोग इजिली उनका टारगेट अचीव कर देते हैं, 100-200-300 फ्लैट बेच देते हैं। अब जहाँ पे बल्क से बिजनेस आता है ना, वहाँ हर एक बिजनेसमैन डाउन हो जाता है। हर एक बिजनेसमैन चाहता है कि यहाँ पे मेरा हमेशा से बिजनेस बना रहे। इसी बेस पे हर एक फ्लैट पे हम लोग 500 से 1000 रुपए पर स्क्वायर फुट कम प्राइस करवाते हैं। और अगर 500 से 1000 रुपए पर स्क्वायर फुट कम कर दो ना, तो सीधा फ्लैट के भाव में 5-5-10-10 लाख रुपए कम हो जाते हैं। और वो डायरेक्ट प्राइस जो हमें बिल्डर से मिलता है, वही सेम हम सामने कस्टमर को दिला देते। यही एक वजह है जिसके कारण हम प्रॉपर्टी आपको सस्ते में दिलवा पाते हैं। दूसरा क्या है कि कई बार तो आपको पता भी नहीं होता है कि क्या बॉटम प्राइस है। होर्डिंग बोर्डिंग देखते हैं, आप गलत प्राइस ऑफर कराते हैं, 10-20 लाख रुपए ज्यादा दे जाते हैं। वहां पे भी एग्जैक्ट प्राइस जानने के लिए हमारी टीम आपको हेल्प करेगी। ये सब बेनिफिट है हमारे चैनल के थ्रू जाने में। मैंने हजारों लोगों को अभी तक बेनिफिट करवा चुका हूं। अगर आपको देखना हो तो आप पहले किसी अपने रिश्तेदार को भेजें, टैगिंग करें, और उसके बाद आप हमारे साथ चलें। कभी भी आपको जो प्रॉपर्टी लेना है ना, मैं आपको एक नॉलेज शेयर कर रहा हूं कि आपको जो प्रॉपर्टी लेना है, प्राइस देखना हो या कुछ देखना हो, तो आप अपने नाम का टैगिंग मत करो डेवलपर के साथ। आप किसी को भेज दो, टैगिंग करो, हमारे सेल्स टीम के साथ जाके फिर आप प्राइस करो, टैगिंग करो, और फिर आप डील की बात करो, देखो प्राइसिंग में कितना फर्क आपको पड़ता है। यही एक वजह है जिसके कारण हम लोग प्राइसिंग आपका कम करा पाते हैं। दोस्तों, मेरे वीडियो के थ्रू आपको अवेयर कर रहा हूं कि आप ऐसी हरकत ना करें, अपने एक्सपर्ट को साथ में लेके जाएं जिनको उस एरिया के बारे में पता है। अगर आपके पास कोई नहीं है तो आप हमें फोन करें, हमारे लोग जो सेल्स वाले हैं उनको साथ में लेके जाएं, आपको हमेशा फायदा होगा। ऐसा हजारों लोगों को हमने अभी तक बेनिफिट करवाया है। और कई बार तो मैं देखता हूं कि कस्टमर के साथ बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों। चॉइस फ्लैट, यानी कि जिस फ्लैट का व्यू अच्छा है, वास्तु अच्छा है, उस फ्लैट को होल्ड कर लिया जाता है। जिस फ्लैट का वास्तु व्यू वगैरह थोड़ा डाउन है, उसको पहले सोल्ड किया जाता है, क्योंकि वो पहले निकालना जरूरी है। क्योंकि क्या होता है ना, फ्लैट बनने के बाद तो आराम से जिसकी व्यू अच्छी है, वास्तु अच्छी है, वो प्राइस बढ़ा के वो लोग बेच देते हैं। इसीलिए वो चॉइस फ्लैट भी वो लोग होल्ड करके रखते हैं। कई बार तो हमने कस्टमर्स के लिए फाइट करके अच्छा वास्तु, अच्छा व्यू वाला फ्लैट कस्टमर को करवा के दिया है। और कुछ बातें ये समझ ले कि मैंने देखा है कि हमारे चैनल के थ्रू चाहते हैं ना, तो इसमें एक और बेनिफिट है कि कई बार मैं देखता हूँ बहुत सारे कस्टमर आते हैं, बोलते हैं कि विकास जी, मैंने ऑनलाइन पोर्टल, यानी कि जितने भी प्रॉपर्टी लिस्टिंग वेबसाइट्स हैं जहाँ पे ऑनलाइन आप अपने प्रॉपर्टी को लिस्ट करते हैं, चाहे बेचना हो चाहे खरीदना हो, इंक्वायरी करते हैं, एक बार आपका नंबर पुट हो जाता है ना, तो वो लोग आपका डेटा सेल कर देते हैं ब्रोकर्स को। खुद तो उनके पास सेल्स टीम है नहीं, या है भी तो बहुत थोड़े हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, आपका डेटा हजारों ब्रोकर्स में शेयर कर देते हैं। फिर हजारों ब्रोकर्स आपको फोन करते हैं, आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। ऐसे मेरे कई कस्टमर परेशान होकर आए हैं, फोन किए। वैसे दोस्तों, हमारे चैनल के थ्रू में क्या है ना, एक ही आदमी, एक ही सेल्स पर्सन रहेंगे जो आपको स्टार्ट टू एंड तक सर्वे करवाना, डील क्लोज करवाना, रजिस्ट्रेशन करवाना, काम करवाना, सब कुछ करवा के देंगे आपको। ये सब जो प्राइसिंग के फंडे सुनने के बाद कई बार कस्टमर ये मिस्टेक कर जाते हैं कि वो डेवलपर के पास चले जाते हैं, फिर जब उनको प्राइसिंग वगैरह नहीं मिलता तब वो हमें फोन करते हैं। दोस्तों, एक बार बता दूं, ये एक रियल एस्टेट में फंडा है कि एक बार जब डेवलपर के ऑफिस में आप डायरेक्टली चले जाते हैं, तो आप उनके CRM सॉफ्टवेयर में टैग हो जाते हैं। CRM सॉफ्टवेयर में टैग होने के बाद फिर जब आप हमें फोन करते हैं ना प्राइसिंग के लिए, सर्विसेज के लिए, हम आपके लिए कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि डेवलपर्स का कहना रहता है कि ये हमारे डायरेक्ट कस्टमर है, आप इनके लिए कोई भी सर्विस ना दें, कोई भी काम ना करें, कोई भी बात ना करें। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, इसका प्राइसिंग का बेनिफिट, सर्विसेज का बेनिफिट अगर आप लेना चाहते हैं, फायदा लेना चाहते हैं, तो आप हमारे ऊपर दिए हुए नंबर पे फोन करें। फर्स्ट टाइम जब आप विजिट करने जा रहे हैं डेवलपर के पास, तो पहली बार आप हमारे सेल्स पर्सन के साथ में जाएं। उससे क्या होगा कि आप हमारे थ्रू टैग रहेंगे, हमें पूरी राइट रहेगी आप प्राइसिंग को लेके, सर्विस को लेके, चॉइस फ्लैट को लेके, बॉटम प्राइस को लेके, इन सभी चीजों को लेके हमारे सेल्स पर्सन उनसे फाइट करके आपके लिए कम करवा पाएंगे, प्राइस और सर्विस दिलवा पाएंगे। दोस्तों, अभी जो मैं प्राइसिंग आपको बता रहा हूं, ये बिल्डर का प्राइसिंग है, कि मार्केट में जो उन्होंने रखा है वो एग्जैक्ट प्राइसिंग क्या होगा, हम लोग होलसेल के बेस पे जो क्या प्राइसिंग करवाएंगे वो मैं आपको यूट्यूब में बता नहीं सकता, क्योंकि जिनको एक दो फ्लैट भी लेना रहता है ना, वो लोग भी फाइट करने पहुंच जाते हैं डेवलपर से। इसलिए अभी जो प्राइसिंग बता रहा हूं वो बिल्डर का प्राइसिंग बता रहा हूं। ये बिल्डर का प्राइसिंग है, आपको मैं आईडिया दे देता हूं। इसमें 1 BHK, 2 BHK और 3 BHK तीन टाइप की प्रॉपर्टी बना रहे हैं। शेयर वॉल्स नहीं है, तो इसमें आपको जोड़ी फ्लैट का अवेलेबिलिटी नहीं है। बिल्डर सबवेंशन इसमें स्कीम भी है, पेमेंट स्कीम में। इसमें 1 BHK विद कार पार्किंग, यूजेबल कार्पेट एरिया इसका 508 स्क्वायर फुट का, 508 स्क्वायर फुट का इसका 1 BHK का है, जिसमें कार पार्किंग आपको अटैच दिया जाएगा, उसके लिए अलग से पैसा आपको नहीं लगेगा। इसकी फ्लैट कॉस्ट 1.5 करोड़ से 1.20 करोड़ के बीच में है, यानी कि 1.05 CR टू 1.20 CR। अब आते हैं 2 BHK में। 2 BHK में भी एक कार पार्किंग के साथ आपको आएगा, जिसमें इसकी स्क्वायर फुट 655 and 724, 655 और 724, दो साइज का यहाँ पे 2 BHK है, जिसका
एग्रीमेंट वैल्यू यानी कि फ्लैट कॉस्ट 1,30,00,000 से लेके 1,70,00,000 के बीच में है, यानी कि 1.30 CR टू 1.70 CR। अब आते हैं 3 BHK में। 3 BHK में आपको एक कार पार्किंग आएगा, इसका जो कार्पेट एरिया है 772 और 922 यानी कि 772 एंड 922, दो साइज में इसके हैं। अब इसका फ्लैट कॉस्ट 1,60,00,000 से 2,20,00,000 के बीच में है। इसमें एक्स्ट्रा पार्किंग अगर आप लेना चाहें तो 5,00,000-6,00,000 पार्किंग के बेस पे इसकी प्राइस है। ये प्राइसिंग मैंने बिल्डर का जो कोटिंग बताया है इसके ऊपर स्टैंप ड्यूटी रजिस्ट्रेशन वगैरह लगेगा, बट ये प्राइसिंग को लेकर आप बहुत सीरियस ना रहें, क्योंकि मैंने आपको जो बताया हमारा होलसेल के बेस पे जो कम करते हैं वो बिल्कुल अलग रहता है दोस्तों। अभी जो मैंने आपको गोदरेज एक्सक्लूसिव का प्रोजेक्ट का पूरा डिटेल दिखाया है, आज के वीडियो में डिटेल बस इतना ही। इस तरह के नए नए प्रोजेक्ट का इन्फॉर्मेशन में हमेशा मेरे यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास वरुण बहल पे आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके रखें। उसका बेनिफिट ये होगा कि जब भी मैं कोई ऐसे प्री लॉन्चिंग प्रॉपर्टी, जो हमेशा देखें लॉन्चिंग स्टेज से जो पहले का जो स्टेज होता है हमेशा 10-15% कम प्राइस में होता है। दूसरा, बैंक ऑक्शन की प्रॉपर्टी जो हमेशा 30-40% डिस्काउंट में होता है, साथ ही साथ नए नए प्रॉपर्टी जो बन रहे हैं मार्केट में घर बैठे आपको देखने को मिलेगा। आपका ट्रैवलिंग टाइम, डीजल, पेट्रोल, गाड़ी, एनर्जी, काफी कुछ ट्रैफिक, काफी कुछ बच जाते हैं आप घर बैठे। जब 80-90% पिक्चर तो आपको हमारे वीडियो से ही मिल जाएगा। उसके बाद आप खरीदने के लिए हमें फोन करें। साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब करने का एक और बेनिफिट है, कभी कभी कोई अर्जेंट सेल प्रॉपर्टी अगर कोई करता है ना तो हमेशा देखें तो अच्छा खासा 20-30% डिस्काउंट पे सेल करता है। और इसमें क्या हो जाता है कि जिसको जल्दी पैसे की जरूरत होती है उनको जल्दी पैसा मिल जाता है, जिसको सस्ते में प्रॉपर्टी की जरूरत होती है उसको प्रॉपर्टी मिल जाता है। तो ऐसे इन्फॉर्मेशन जो आता है हमारे पास उस तरह के वीडियोस भी हमेशा मैं डालता रहता हूँ अपने चैनल पे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल सब्सक्राइब करें, ऐसे मैंने हजारों लोगों को अभी तक बेनिफिट करवा चुका हूँ दोस्तों। कभी आपको हमारे स्पॉट पे आना हो, हमसे मिलना हो, हमारा ऑफिस देखना हो तो ये हमारे ऑफिस का एड्रेस है, और ये राउंड बटन दबा के हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ इन दोनों वीडियो को भी क्लिक करें, घर बैठे देखें, समझें, फिर खरीदने के लिए, प्राइस जानने के लिए हमें फ़ोन करें ऊपर दिए हुए नंबर पर। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार दोस्तों।